Hello students, good morning everybody. Welcome back to your English class. And I am your English teacher in this YouTube live platform. We is with you. I am from Puri district. So student, we had already learned in our last class. In our last class, we discussed about comprehension, then some vocabulary, then some comprehension, some vocabulary, and some sequence, and VMDT. So these three we have already discussed. So what we discuss today? We'll discuss about general speaking, listening, and some comprehension questions. So now we'll start. So now we will see that what you have learnt in your last class. But तमने तमो story रू कित्ते बुझी चा अजी देखिबा. So देखा मु तमो किची उडे comprehension question देची बा multiple choice question देची. तमे से multiple choice question रू option नबा एवं blank fill करिबा. तो see here, this is your activity one. Choose the right answer from the options. ऑप्शन केते उडी दिया जायची ता भीतर तमे राइट आंसर चूज करिवो अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी एवं एठी लिखिवो. फर्स्ट द सन इन लॉ वाज नॉट एडवाइज्ड टू डैश यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स सीट ऑन ए हाई प्लेस वाज द गार्डन से नो टू एनी फूड गिवन टू हिम फर्स्ट. लिसन मी द सन इन लॉ वाज नॉट एडवाइज्ड टू ता गाँ लोक तीनटा जिनस एडवाइस देवाक से तीनटा कौन थी यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स सीट ऑन ए हाई प्लेस से नो टू एनी फूड गिविन टू हिम फास्ट. तो ये तीनटा से एडवाइस एडवाइस कौटा देना जे वाज द गार्डन ताल एठी कौन आंसर हवा दिस वन सी. तो ये आम कौन लिखा विल राइट वाच द गार्डन. ओके देन सेकेंड क्वेश्चन कौन अच्छी पे मैंने द सन इन लॉ थॉट इट वुड बी डैश टू आस्क फॉर पुडिंग इम्पॉसिबल इम्पोर्टेंट इम्पोलाइट इम्पेशेंट. व्हाट इज द आंसर ऑफ कोर्स इट इज इम्पोलाइट अभद्रामी हम द्वितीय थर मागिबा. सो इट वुड बी इम्पोलाइट. नेक्स्ट एवरीवन एक्सेप्ट डैश थॉट हिम टू बी फुलिश. तो किए कहा छोड़ा अन्य मैंने समस्त को फुलिश भावुले किए द फादर इन लॉ द मदर इन लॉ द ब्रदर इन लॉ द सिस्टर इन लॉ किए That is the mother-in-law. That is the mother-in-law. तो इटे आंसर कौन लिखा हुआ? The mother-in-law. Everyone except the mother-in-law thought him to be foolish. Then number four, the father-in-law planned to drive out the son-in-law because. वाय कहीं से बाहर कर देखा चाहूला हि सैट ऑन ए हाई प्लेस हि बीट हिज वाइफ हि एट ऑल द राइस पुडिंग हिज वाइफ टुक टू मच केयर ऑफ अ सन इन लॉ नेग्लेक्टिंग हिम कौटा हम निश्चित रूप लास्ट दैट वन इज डी. तो आम ये लिखीद डी बिकज हिज वाइफ टुक much care of her son-in-law neglecting him. So ये चार्टर थी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जोटा कि तुम कम्प्रेहेंड कर जानापी. नेक्स्ट देखो आउ गए कंप्रिहेंशन एक्टिविटीज बी मैच द पार्ट नंबर ए अंडर ए विथ द कंटेंट इन बी. तो ए रे पार्ट सहित बी रे
कंटेंट कौन अच्छे देख मु तुम मानू गोटे वीडियो क्लिप देली एस जि डिफरेंट एस जि रे कौन अच्छी कहवापी तो दिस इज सेम थिंग तो तुम समरी कर पढ़ीच कंटेन्ट जाच तो कौ एस जि पी रे कौ पार्ट्रे थीम कौन थी कंटेन्ट कौन थी से आम मैच करवा देख सी फर्स्ट पार्ट वन लिवस द इनलॉज हाउस सफर्स फॉर फुलिशनेस सन इन लॉ प्लान्स हिज विजिट फॉलोज द एडवाइस तो पार्ट वन कौन कर सन इन लॉ प्लान्स हिज विजिट तो दिस वन इज मैचिंग टू दिस वन पार्ट टू रे कौन कर एडवाइस फॉलोज कर विलेज मैन रो कौन हम फॉलोज द एडवाइस पार्ट थ्री रे कौन कर सफर्स फॉर फुलिशनेस बोकामी जो से सफर कर सो दिस वन मैच दिस वन पार्ट फोर रे कौन होता लास्ट रे फाइनाली कौन होता लिव्स द इनलॉज हाउस तो इनलॉज हाउस से लिव कर छाड़ा को बाध्य सो से तो गला तुम कॉन्फिडेंट पार्ट बर्तन लिसनिंग फर्स्ट सी द व्हाट सी दिस वन दिस गैप्स लिसन टू योर टीचर एंड फिल इन द गैप्स तुम्हें मैंने यहीटा को देख मु बर्तमान यार आंसर गुड़ाक मैंने पाराग्राफ्टा पढ़ीदेवी जहाँ हम तापर मोठ जहाँ शुणी थी तुम्हें मैंने ये फिलअप कर तो इट इज ए लिसनिंग एक्टिविटी मु आंसर गुड़ा भी या सहित पाराग्राफ सहित पढ़ीदेवी तुम्हें मैंने कौन कर शुणवतापर मोठ शुणिक गैप्स गुड़ाक फिल कर तुम्हें जी से कहवा भितर जब न फिल कर तुमको आउ थे कहीदेवी सो लिसन मी ए पाराग्राफ टा को देख भल भाव में कौ जगार गैप जगह कौन कौच शुण आउ लेख कईसन यू हाव सीन आवर लेमन ट्री द लेमन्स आर स्टोलेन बाय थीव्स आट नाइट आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन वाज द प्लान टू नाइट एंड कैच द थीव He also gave his son-in-law a club. In the darkness of night, the son-in-law was waiting for the thieves to come. अच्छा पिला मैंने सुनी ला मु कौन कहली मने रखिला बल लिखिलो पैराग्राफ रे अच्छा if you cannot done यदि तुम्हें cannot do यदि तुम्हें मैंने करी पारी ना हो तो वर्तमान करो मु फर्स्ट कौन कहली kind son you have seen our lemon tree तुम लिट्रे तो जब लिखी दीच लेखनी न लिखीच करेक्ट कर दे बाब जी भूल लिखीच इफ यू आर रॉन्ग अगेन राइट द लेमन्स आर स्टोलेन बाय थीव्स एट नाइट आई विल बी व्हाट कौन कही हैप्पी इफ यू कैन वॉच द फ्लैन टू नाइट एंड कैच द थीप He also gave his son-in-law a what? Club, C-L-U-B, club. In the darkness of night. The son-in-law was waiting for the thieves to come. तो दिस वन इज योर लिसनिंग मु तुम मानक आउ गोटे लिसनिंग एक्टिविटी देसी एनदर लिसनिंग एक्टिविटी इज गिवेन टू यू तो पिला माने सुनो आई विल टेल ए वर्ड तुमको मु आउ सेम राइमिंग वर्ड सेम साउंडिंग वर्ड मु दे देछि देमती नाइट साइट फाइट राइट लाइट या भितर गोटे वर्ड मु कहिबी तुम ध्यान शुणव जो मुझे वार्डटा कहूँ से वार्डटा को कौन कर तुम मैंने सर्कल कर सब सेम साउंडिंग वर्ड दिखाई राइमिंग वर्ड्स दे तो सेम साउंडिंग वर्ड जेहेतु देसी मुझे कौटा कहूँ तुम ये ध्यान शुण आउ सर्कल कर तो लिसन मी फर्स्ट केयरफुली फर्स्ट स्पाउस व्हेयर स्पाउस इज देख प्लीज देख कौटी स्पाउस अच्छी Spouse is there. तो ये कहाँ रहा सेम साउंडिंग वर्ड
हाउस माउस लाउस ब्लाउज तो स्पाउस हियर इज स्पाउस तमे हाउस पढ़ी चो स्टोरी रे देन सैट वेरी सैट वेरी सैट मते सुनी पड़छो पिले तो हियर इज योर सैट हियर इज योर सैट कैट बैट सैट रैट मैट मु तुमको सैट कहली तो हियर इज योर सैट देन अगेन सी द पिक्चर एबे देख फुल वेर इज फुल ऊल कूल टूल फुल जूल तो हियर इज योर फुल देन चेयर चेयर वेरी चेयर दिस वन इज चेयर चेयर हेयर फेयर लेयर पेयर एनादर वन इज फूड फूड कौट अच्छी हियर इज योर फूड वुड गुड फूड मूड हुड देन ए then kind kind where is kind here is kind kind fine mind wine wine then night sight dita word mu kahili dita same sounding word kahili kon kon seta one is night and another one is sight aa kon kon achi white right light then tell me listen me carefully and round the mother in law sister in law kod achi here is your mother in law and here is your sister in law father-in-law mother-in-law brother-in-law sister-in-law daughter-in-law finally one left what is that kea where is kea here here is your kea heya meya kea feya rea so these activities helps you in developing your listening तो सेम साउंडिंग वर्ड रु तुमको बच्चे को हम जे कौटा क्लरेट प्रोनाउंसेसन आ तुम ठीक से सुनीचे ना ना स्फेयर मेयर हेयर सब सेम साउंडिंग वर्ड किंतु मुझे जो वर्डटा कहे से तुम परफेक्ट भाव में शुणी थो तो तुम सर्कल कर तो दिस इज अल्सो ए लिसनिंग एक्टिविटी एंड इट डेवलप्स योर लिसनिंग स्किल देन आम स्पीकिंग एक्टिविटीज किछ करिबा देन वी विल टॉक अबाउट चिल्ड्रन तो चेंड्रेल कौन पिला मैंने चेंड्रेल इज ए अटरेंस ऑफ ए वर्ड ए सेंटेंस और ए टाइटल टू द लर्नर लर्नर विल रिपीट इट वन बाय वन इन ए क्लास आइदर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ए क्लास और एट द एंड ऑफ ए क्लास सो सपोज आई गिव यू माय स्टूडेंट्स ए वर्ड और ए टाइटल दैट इज द फुली सॉन इन लॉ सो इट पासिस टू वन टू another student in this way one by one student repeat it after one after one and finally the last students will tell so sometimes we feel that this is a what very boring actually it is not boring and we can also introduce ourselves in this general so if we think that it is boring actually it is not boring because without practicing anything a student can speak something suppose I say that my name is Alka to my next student said her name then next student say his name so in this way when last student came then what happened he will prepare himself to speak the word तो जदि बा से जानी से वर्डटा बा मनु कहले फर्स्ट टाइम तो कहले से सीखी पारोनी किंतु गोटे वर्डर रिपिटेसन द्वारा बा गोटे सेंटेंस रिपिटेसन द्वारा से जदि बा से पढ़ी पारुनी बा कही पारुनी किंतु एत जन शुणला
कौन कर निजे स्पीक कर तो जेनराली साममल्टेनियसली ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग आक्टिविटीज तो प्रथम से लिसन कैर स्पीक कै जिते यदि गोटे क्लास ट्वेंटी पिला अच्छा कोड़े पिला अच्छा कोड़े जन शुणला पर सब फोर पिला थी तो सी आराम से कहीपर से वर्डटा बारंबार शुणिकी सपोज द पुलिस सन इन लॉ मु फर्स्ट पिला कहली ट्वेंटीटा पिला कवर है बेलू तो ट्वेंटी नंबर पिला इजिली कहीपर द पुलिस सन इन लॉ तो ये आम कौन कर पाने तुम्हें कौन कर निजे निजे घरे कह चेषा कर व्हाट तुम बुक अच्छी दैट ए फूल गेट्स द ट्रुथ टू लेट We laugh at the fool or at his foolishness. तो कौन कहिबा? A fool gets his truth too late. We laugh at the fool or at his foolishness. यही भाया तुम मैंने कौन कर तुम सांग भितर जेनरल कर निजे मुझे कही सारापर ये जिनसा निजे निजे कह दे डायलग प्राक्टिस तो डायलग प्राक्टिस कौन इट इज अल्सो वन टाइप अफ It also developed your speaking skills and listening skills also. Dialogue practice रे कौन हुए आमे जदि स्टोरी टाकु ठीक से बुझिने तो डायलग करवा दु जन भितर जी आम कन्वर्सेसन करूँ तो स्टोरी टा इजिली बुझी हुए एवं स्पीकिंग कैपासीटी डेभलप हुए एवं कौन हुए लिसनिंग कैपासीटीज डेभलप हुए सपोज मुझे गोटे मदर इन लॉ नहीं गोटे सन इन लॉ कैरेक्टर नहीं बहुत से भितर जो स्टोरी जो कन्वर्सेसन है से कन्वर्सेसन हेले कौन हम तुम स्टोरी टाक भल भाव बुझी पार तो ये मुझे मदर इन लॉ आउ सन इन लॉ कौन नहीं कन्वर्सेसन नहीं तो आम टे तुम्हें मैंने निजे निजे भी पूरा स्टोरी टाक तुम सांग भितर जदि चाह कौन कर जदि सांग भितर चाहिए तेल तुम्हें भी कौन करम भितर करें दिज सांग रही जड़े आउ जन जड़े मदर इन रोल प्ले कर जड़े सन इन रोल प्ले कर डायलग गुड़ाक निज निज भितर डेलीवर कर तो ताद्वारा देखी देखी भी करो किसी असुविधा ना स्पीकिंग कैपेसिटी तुम डेवलप होब देख कौन कहे सन इन लव यू आर द स्वीटेस्ट काइंडेस्ट ग्रेटेस्ट एंड जेंटलेस्ट लेडी देन मदर इन लव ओ रियली सो स्वीट ऑफ माय सन इन माय सन प्लीज सीट ऑन द चेयर देन मदर इन लव नो सन इन लव नो I will prefer to sit on a high place. I will sit our paddy sacks, over paddy sacks. Then mother-in-law, son, would you like to have some pudding? I have prepared it for you. Son-in-law, no, thanks. No, my mother, thanks. I will not prepare it for a. I will not eat it. So it is like one of our dialogue speaking. Then we'll do another thing that is ami kichi comprehension question answer kari deba pila mane what is the comprehension question jo guda ka tame ame mote paragraph nai chi to sei paragraph ro mu kichi question answer debi tame karibo सो आम फर्स्ट पाराग्राफ नहीं जावा पाने आम एस जी पी वन फर्स्ट पाराग्राफ्टा नहीं जावा जोटा कि आम टे ठीक से करवरिया भाव में कर तो से पाराग्राफ्टा आम एस जी पी वन आज क्वेश्चन आंसर टी रईटिंग करदे देख मु फर्स्ट एस जी पी वन पढ़ी दौर कर ए सन इन लॉ आफ्टर हिज मैरेज was planning to visit his father-in-law's house for the first time. A man from his village gave him the advice, use big and high-sounding words in your father-in-law's house. Always sit on a high place. First say no to any food given to you. So, Bartan Pila, I have a question for you. I have a question for you. Okay, what is the paragraph about?
First tell me what is the paragraph about. Paragraph ta ko bisari thila. Tell me the paragraph is about the paragraph is about a son in law's planning to visit his father-in-law's house. Father-in-law's house. Number two. So, what was he planning? Can't Karuthula planning? See, same thing. Visit his father-in-law's house. His planning was visit a. His father. His planning was visit to his father-in-law's house. Achha, number three. When was he planning? When was he planning? Kete se planning kala? Jete se chinta kala je se jiba boli. When was he planning? He was planning when he wanted to visit. Jetra chahila visit kare ko satare se planning karla. Yes or no? Had he gone to his father-in-law's house before? No. So before aguru purburu jai nathila tabi pata jai thila ki? No. He had not gone. No. He had not gone before. Na se purburu jai nathila. Then who gave him an advice? Ki taku advice deithila? Taku ke advice deithila? A villager or a village man? Taku gote village man advice deithila? Mu short re likhi deuchi pila mane. A village man advice deithila? How many pieces of advice did he give? Three pieces of advice? But three advices? How many pieces? Three pieces. Ami likhi deba? Three pieces. Tinta advice deithila? Achha, what was the first advice? First advice tar kon thila? That use high sounding word. First advice kon thila? Use long and high sounding words. तापरे व्हाट इज द सेकंड एडवाइस कौन थिला दैट ऑलवेज सीट ऑन ए हाई प्लेस ऑलवेज सीट ऑन ए हाई प्लेस देन व्हाट वाज द थर्ड एडवाइस सेड नो टू एनी फूड सेड नो सेड हम से हम इज से नो टू एनी फूड देन विल ही कैरी आउट द एडवाइस ऑफ कोर्स ही विल कैरी आउट द एडवाइस ही यस टेन आंसर कौन हम यस He would carry out the advice. Yes, he would carry out the advice. Finally, I want to tell you a story. मुझे वाली छोटी स्टोरी टे कहूँ जी. Another, once upon a time, के स्पीड ले कोई दी भी, क्योंकि ना समय आओ बहुत कम अच्छी भी लगने. So once upon a time, there was a king in a country, and what happened? He was also very foolish, and due to his foolishness,
so many what problems arise in his country. So what happens, one day that king was visit his country. So he saw a river flowing towards the east, and he asked his minister that river is going. Now that river is going to the east. Now why it is going to the east? Now and what is the use of river? Now this river our country's people use it for their domestic purpose and agriculture. So the country after it, or the country towards the east, is also using its water. Now why that country using our river's water? So please block it from the middle. So and now it is, they can't use our river water. So the minister cannot say anything, could not say anything. So the king was furious. So what he did, he made a the bridge, or made a dam on it. And what happened, or made a block or wall on the middle of the river, as strong that the river water cannot go the east side. Then the river blocked there, and the water spread on the houses of the villagers and countrymen, and also their crops, or their the crops they grown on their field are also damaged or ruined by the river water. So they complain against the minister that due to the blockage, or due to the wall of that wall on that river, we are suffering a lot. The river water is in our house and also ruined our field, or our agriculture, or our crops. So the minister thought for a while, what I will do? I can't. I could not. I could not, मैंने से राजा को बुझे परिवेनी तो मु मोई पुलिस राजा को केमिति बुझेबी. तो व्हाट हैपेंड, ए वॉचमैन ऑलवेज व्हाट ही वाज रिंग द बेल, बजुथला बेल व्हेन द मॉर्निंग अकर्स. सो ही वेंट टू दैट वॉचमैन एंड टोल्ड हिम दैट प्लीज टू नाइट, टू डेज नाइट यू विल रिंग द बेल एट 12 PM. सो 12 PM रे, 12 AM, तो 12 AM रे बा मिड नाइट रे तुम कौन कर ये रिंग बेलटा रिंग कर जमीक राजा उठी पड़े सका भाविकी. सो ही विल डू दैट, से करला. तो सी कौन कला ठीक 12 AM रे बेल रिंग कला. तो राजा उठी पड़े. सो किंग गेट अप फ्रॉम हिज बेड एंड कम टू दैट वॉचमैन एंड सेड, व्हाई यू आर रिंग द बेल, the time is now 12 midnight. So at that time the minister was present there. He said to the king that no sir, it will already morning will be occurred. Now how, kemiti morning to hei ni rati achi na, the sun rises from the east, and the country in the east side will kept the sun for their use, and they do not leave the sun for us. That's why we are not seeing the sun. तो सेमाने कौन करिचंदी, सन टाकु तांको पटे रखि दिचंदी, जेहेतु सेमाने ईस्ट पट कंट्री आ सन सेपटे कौन हुए उदय हुए, तो सेमाने से सन टाकु सेपटे रखि दिचंदी ओ आम पटकु छाड़ नाती, जोति पई कि आमे माने रात आमकु आम पटे सकाळ हेउनी. तो किंग कचले सो व्हाट वी विल डू नाउ, आमे कौन करबा ना, इफ यू लीव द वाटर फॉर देम दे विल लीव द सन फॉर अस. तो जदि तुम आपर रिवर वाटर से छाड़देव छाड़देवे से सनटा को आमपाई छाड़देवे. देन द किंग फुलिश किंग से टू हिज मिनिस्टर दैट गो एंड सडनली ब्रेक द वॉल और ब्रेक द डैम एंड लीव द वाटर फ्लो टू द ईस्ट. देन एट दिस टाइम फ्रॉम 12 midnight टू 6 morning दे द वर्कर्स broke the dam and the water flow to the east, and other times and when 6 AM is there. So what happens, setare sokal heithila ebo pun son asila. To foolish king bhabile je jehetu tanku pani chhoda gala east ku, east son ta ama pakku asila. To isn't it a good story? So it is also a listening activities. Mu eta career story ta sura kon matlab thila,
ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଲିସନିଂ ଆକ୍ଟ୍ରିସ୍ ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ ସେମିତିଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ କିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଥିଲା ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନାଓ ଟୁଡେ ଦିସ୍ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଆୱର ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସି ୟୁ ଏଗେନ୍ ବାଏ ବାଏ